ऊपर वाले से क्या वरदान लेकर आई है? कोई कुछ भी कर ले, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब क्या हुआ? मेरा सर घूम रहा है कि दुनिया घूम रही है? बेबी झूला घूम रहा है, हम झूले पे है ना? अरे झूला मैंने कभी नहीं बताया, मुझे झूला बहुत पसंद है। बचपन में एक बार जब मैं झूले पे बैठी थी ना, तो पता क्या हुआ? ना मुझे पता है और ना मुझे पता करने का कोई शौक। क्या कर तुमने कहा, कुछ भी बोलो। एक मिनट, अब क्या हुआ? झूले के नीचे कुछ नहीं दिख रहा। बेबी ये कैबिन वाला झूला है ना, चारों तरफ से पैक है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप धक्का दे देगी मुझे, पता है। प्रॉमिस मैं तुम्हें धक्का नहीं दूंगा, लेकिन मन तो कर रहा है कि धक्का देकर कुछ नहीं। भाई इस बहन जी का क्या करने वाला? जो करना है करो, मैं जा रही हूँ अभी। तनु 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 लिसन मी यार, मैं इसे रूम में छोड़ कर आता हूँ, उसके बाद हम कहीं चलेंगे। I'm waiting. आज के लिए सॉरी, गुस्सा बाद में कर लेना। अभी बहू को पकड़ के ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे ताई जी, अगर मैंने इसे छोड़ दिया ना, तो ये भूखी शेरनी की तरह सबको खा जाएगी। क्या बात कर रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना इसकी? लाओ मुझे देखने दो। अरे ताई जी, अगर मैंने इसे छोड़ दिया ना, तो फिर ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। नो भरचो। ठीक है तू चिंता मत कर। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ कहीं आज फिर कोई तमाशा करने तो नहीं आई हो तुम यहाँ? तुम लोगों को तो मैं अंदर फटकने भी नहीं दूंगी। मोटी लालची, मोटी पिन मारूंगी ना, गुब्बारे की तरफ फुस हो जाएगी। फुस? ये कैसे बात कर रही है ये? इसे तो बड़ों का लिहाज ही नहीं है। सिर्फ वजन बढ़ाने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। इंसान बड़ा अपनी सोच से होता है, लेकिन आपकी सोच में सिर्फ पैसे ही बढ़े। लालची चाची ने ना अपने बेटे को भेज दिया पैसों के लिए, और इधर भी ना सिर्फ अच्छा होने वाला नाटक करती है ताकि इनको पैसे मिलते रहे, सबको खुश रखती है ताकि इसको पैसे मिलते रहे। लालची तू सही कह रहा था, ये भूखी घायल शेरनी लग रही है मुझे, और इसने तो पी हुई है। हाँ ताई जी, पी रखी और हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए डोंट माइंड, अब पकड़ लूँ। हाँ हाँ भाई, तू ही संभाल इसे। मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुम कहाँ कुछ गलत बोल सकती हो, नेवर। चले। हाँ, one minute. पिन से दूर रहना, नहीं तो पुश। इसे तो दूर ही रहना पड़ेगा, कहीं ये सारी मेरी बोली ना खोल दे। मेरे मिजो इतने सारे लोग किधर गए? मेले में आग लग गई ना, तो सब भाग गए। ये इतनी भारी कैसे हो गई? शराब पीती या प्रोटीन शेक? बैठो। असर हो फैंस हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन एक पी हुई चश्मिश को नहीं। पैर ऊपर लो। मेरा फेवरेट पिलो। सोती हुई शेरनी को नहीं जगाना चाहिए। झूला रुको। क्या हुआ? आपने झूठ बोला मेरे से, आपने बोला झूले के नीचे जगाएंगे, लेकिन ये तो दूसरे झूले पर आया। वो खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे यार, लेटे लेटे चक्कर आ रहे, मुझे झूले के नीचे दिखाइए। वो भी दिखाऊंगा, लेकिन तब तक इस झूले का मजा लो ना। आप झूठ बोल रहे? नहीं, मुझे अब भी जाना है मुझे। चुपचाप सोचा फिर एक दूंगा। चुप। देखो तुमने पहली बार शराब पी है ना, इसलिए ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे। तुम एक बार सो जाओगी ना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मुंह बंद, आंखें बंद, लेट जाओ और उसके बाद प्लीज सो जाओ। मुझे प्यास लग रही है, मुझे जूस चाहिए। एक कोई जूस वूस नहीं मिलेगा। जूस चाहिए मुझे। प्यास लग रही है ना, पानी चलेगा?
ओके। लेकिन पानी पीने के बाद सो जाओगी ना? ओके। मैं पानी लेने जा रहा हूँ, तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। ओके। कितना मनहूस बैग है ये, इसमें पैसे पड़ते ही नहीं है, उल्टा जितना डालो ना उतना खत्म हो जाते, बदलना पड़ेगा। तू यहाँ क्या कर रही है और ये क्या छिपा रही है? हाँ, क्या चुरा रही है मेरे रूम से? आपका कमरा? अब मम्मी जी, आप कहीं मेरे रूम में शिफ्ट होने का तो नहीं सोच रही? कोई बात नहीं, आपका सामान ले आओ आपके कमरे से। अरे हाँ, ये तो इसी का रूम है। कोई जरूरत नहीं है मेरा सामान लाने की, मुझे पता है मेरा सामान यहाँ लाके तू मेरे रूम में शिफ्ट होना चाहती है। शक्ल देखी है अपनी कभी? से तो अच्छी। क्या कहा? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं। अरे मम्मी जी, आप तो बहुत सुंदर हैं। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आपको कोई रतौंधी तो नहीं हो गया? वो जिसमें रात को दिखाई देना बंद हो जाता, तो बुढ़ापे की निशानी है मम्मी जी। अरे वो तो प्रज्ञा ने इतना कुछ सुना दिया कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया और मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ आ रही हूँ। प्रज्ञा ने आपको सुना दिया? क्या, ऐसा क्या किया उसने? अरे उसने वो किया जो आज तक इस घर में नहीं हुआ, उसने शराब पीकर मेरी बेइज्जती कर डाली। सच्ची? सॉरी मम्मी जी, मतलब प्रज्ञा ने आपको सुना दिया? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना मेरी बुराइयां सुन के। हाँ, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ और इसलिए सुनना चाहती हूँ कि उसने आपको जो जो भी बोला ना, उसकी एक एक बात का मैं उससे बदला लूंगी। अरे उसकी ऐसी हिम्मत कैसे होगी कि उसने आपको सुना दिया? बड़ी आई बदला लेने वाली, जैसे तू तो मेरी रोज आरती उतारती है ना, कोई जरूरत नहीं है बदला लेने की और कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की, समझी तू? ये उसके पास गई तो प्रज्ञा के सामने मेरी सारी पोल खोल देगी। प्रज्ञा ने इस मोटी को सुनाया? मिताली, इसका मतलब तो ये है कि प्रज्ञा होश में नहीं है और यही सही मौका है उससे बातों बातों में उगलवाने का कि आलिया की रिंग उसके बैग में से तनु के बैग में कैसे गई। ताली, अभी अंदर हुआ से कम जाकर तो देखूं। अभी तो क्या प्रज्ञा भी नहीं दिख रही है, कहीं बाहर तो नहीं है? बाहर कैसे होगी? अंदर ही होगी, पी हुई है कहीं, पड़ी होगी इधर उधर। मंदिर भी बना के रखा हुआ है कमरे में। हाँ ढूंढो इस लड़की। मम्मी जी को इतना सुनाया, कम से कम मेरी भी तो सुन ले कुछ। कहाँ, किधर देखूं इस लड़की को? पता नहीं कहाँ पड़ी है। अरे क्या है? चश्मिश कहाँ चली गई? बोला था उसे रूम छोड़कर मत जाना, लेकिन चश्मिश भी ना। चश्मिश, ए चश्मिश, चश्मिश, तुम बेड के पीछे क्या कर रही? बाहर भूत है। क्या पर कोई भूत होती है? बाहर निकलो तुम। नहीं। बाहर निकलो, पानी पियो और चुपचाप सो जाओ। नहीं आऊंगी, वहाँ भूत है। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कोई भूत नहीं है, बाहर निकलो तुम। चश्मिश, ये बोला था ना भूत है। What the hell? तुम पागल हो गई हो? बाहर निकलो। बाहर निकल रही हो, मैं पीछे आओ। भूत है उधर। बाहर निकलो। नहीं। कहाँ है भूत? पीछे।
अब बोलो कहाँ है भूत? वो सामने तो मैं आपको दिख नहीं रहा है। अब देखो, अरे अपनी आंखें खोलो और देखो कहाँ है भूत। ये तो मैं हूँ प्रज्ञा। किसी भूत से कम नहीं हो तुम। मेरे बाल खराब हो गए नहीं? पानी पियो और चुपचाप सो जाओ। कैसे पियूं? मेहंदी है ना, सूखी नहीं। ठीक से पिलाई, मैं ऐसे को पिलाता पानी। ठीक से पिलाई, चले। पीना है तो पियो, वरना प्यासी सो जाओ। तुमने मेरे मुंह पे पानी फेंका। आपने भी तो फेंका। अरे तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि तुम्हारे मुंह पे पानी क्या, तुम्हारे मुंह को पानी में फेंक देना चाहिए। आपकी भी तो हरकतें ऐसी है, कभी मिर्ची खिला देते हो, कभी डांस कराते हो, कभी पिन चुभाते हो, और कुछ नहीं मिलता तो मुझे धमकियां देते रहते। और तुम्हें टॉर्चर करने के बाद ना मुझे टॉर्चर होना पड़ता है। तुम्हें किसने बोला है मुझे टॉर्चर करने के लिए? मत कीजिए। तुम्हारा चेहरा है ना, मुझे कहता है कि आओ मुझे टॉर्चर करो। अब मैं क्या करूं? आपका चेहरा ना। ए खबरदार, अगर मेरे चेहरे के बारे में कुछ भी बोला तो। वही तो, आपका चेहरा कुछ बोलने के लायक ही नहीं। इतनी देर हो गई, अभी आया क्यों नहीं? अभी तक उसे लोरी गा के सुला रहा है क्या वो? तक तो भाई को आ जाना चाहिए था। एक बार चेक करें वहां क्या हो रहा है। हाँ चलो आइए। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम अच्छी नहीं हो, तुम बुरी हो। क्या है ना, I'm actually too tired and I'm the bride, so I need to rest. तो एक काम कर, तू जा, मैं नहीं जा। कितनी selfish है तू यार। तुम चुड़ैल की तरह हो। कौन चुड़ैल? जो मक्खी की तरह इस घर में मंडराती रहती है। सुपर मॉडल तनु। हेलो, क्या हुआ? डर गई? डर किससे? उस चश्मे से। मैं तो इसलिए रुक गई क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अभी के कमरे में जाऊंगी तो दादी पता नहीं क्या सोचेगी। पॉइंट। और सॉरी, मैं बहुत थक गई। तो सो जा जाके। पीएमएस। अरे खुद का चेहरा दो कौड़ी का है, मेरे चेहरे के बारे में बोल रही हो? मेरी शक्ल देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है, धूप में खड़े रहते हैं कि मेरी एक झलक दिख जाए। अरे और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुझे बंदर का, बंदर मुझे, मुझे बंदर का, दादी देखो ना मुझे। अरे मैंने मैंने खुद को अदरक का। ट्रूथ, सच्चाई निकलगी ना मुझे। अदरक, अदरक की तरह कट गई है आप। लोगों को आपकी शक्ल कैसे अच्छी लगती है? मुझे तो हंसी आती। ये क्या कर रखा है आपने? एक मिनट मैं बताती हूँ आप। ये क्या कान में क्यों पहन रखा है? और हैंड्स में 1 2 3 4 4 रिंग्स, ऐसे कौन पहनता है? और गले में वो नहीं बना, वो चाबी का टूटा हुआ छल्ला दो हमेशा गले में। और ये आपके बाल देखते हो ना, मेरा मन करता है कैंची चला दो, कच 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 यहाँ से छोटी वहां से लंबे, ऐसे क्यों कटवाए? लोग आपको देखने के लिए इसलिए आते ना क्योंकि आप फनी लगते हैं। सबको बहुत हंसी आती है। आप तो ऐसे लगते जैसे जैसे तुमने मुझे फनी बोला। हाँ हाँ, I will show you. What will you show? Dare you call me funny? तुम मुझे क्या दिखाओगी? I will show you. Don't touch my cupboard. Leave it alone. और ये तुम मेरा wristband क्यों पहन रही हो? ये मेरा leather wristband है, तुम्हारे पसीने से खराब हो जाएगा। My locket. Stop using my locket. और ये मेरा headband तो अपने सर में मत पहनो। तुम्हारा सर इतना बड़ा है कि मेरा headband लूज हो जाएगा। Why are you touching my jacket? वो मेरा नया jacket है। Leave. My guitar. अरे इट्स माई ब्रेड एंड बटर। लीव। ऐसे लगते हैं आप। और जब मुंह खोलते ना तो
ये मुंह पे इतने बाल क्यों झीक नहीं आती आपको? जब मुंह खोलते हैं तो ऐसे लगते हैं। सारी रात मचाएंगे शोर, पारी लाइक पारी लाइक रॉक स्टार्स। सारी रात मचाएंगे शोर, पारी लाइक रॉक स्टार्स। सारी रात करेंगे शोर, पारी लाइक मेरे तार टूट जाएंगे। मैंने कहा रोक दो। Don't you touch my guitar? क्यों? अपनी शक्ल देख के डर गए ना? लेकिन इतना सब कुछ क्यों पहनते आप? मुझे नहीं अच्छा लगता। आप परेशान नहीं होते? ये सब क्या है? और ये जैकेट कितनी गर्मी लग रही है मुझे। और ये हाथ का गले का पट्टा, और सर पे पेन लग रहा है। और वो गिटार इतना भारी क्यों है? भारी जब ये डंबल उठाते हैं तो कैसे बंदरों जैसी शक्ल बनाते हैं आप? ऐसे लगता है कोई कोई बंदर लकड़ी से खेल रहा है। उठा लिया फिर। अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये वाओ मेरा डंबल छोड़ो। यू नो प्रॉब्लम, मेरे को वन मोर एक्सरसाइज आता है। एक मिनट। चक्कर आ रहा। नो प्रॉब्लम, मैं दिखाऊंगी ये वाला। वन टू थ्री। नहीं हो रहा। नो प्रॉब्लम, बट यू गेट द पॉइंट ना। मैं चिपक गई, नहीं उठ रही। ये दीवार मुझे छोड़ नहीं रही। क्या हो रहा है? टाइटैनिक। अरे टाइटैनिक डूब गई। अब हो गया तुम्हारा या तालियों के बाद होगी। बारिश बारिश बारिश। क्या चश्मिश? रुक। कहाँ जा रही हो तुम? कर क्या रही हो? चुपचाप कमरे में जाओ। शराब क्या पी ली? तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर पाओगी? अगर दादी ने मना नहीं किया होता ना तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं। क्या करेंगे आप? डांटेंगे, ताने सुनाएंगे या मारेंगे? मारिए मारिए ना मारिए। तुम्हारी मम्मी को सब सच बता दूंगा। बता दीजिए। मैं थक गई हूँ ये रोज रोज के नाटक से। नहीं होता मुझसे सबके सामने आपकी हाँ में हाँ मिलाना, रोज रोज झूठी मुस्कुराहट मुस्कुराना। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाऊं ना। लगाइए फोन दीजिए। मैं मिराज। 9823। तुम पागल हो गई हो? तुम जानती हो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना? जानती हूँ, जानती हूँ माँ की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें पता चलना है ना। मैं जानती हूँ आप सिर्फ पूरा बुरालिया की शादी का इंतजार कर रहे हैं। फिर मुझे इस घर से निकाल देंगे ना? चश्मिश चली जाएगी, फिर मेरे परिवार को शादी का सच पता चल जाएगा। जब आपको ये सब करना ही है तो क्यों दिखा रहे मुझे आज ये हमदर्दी? क्यों कर रहे हैं ये सब? लाइए मैं मिलाती हूँ फोन। दीजिए दीजिए। अरे फोन तुम किसी को नहीं बताओगी? मेरा मतलब है जब तक पूरब और आलिया की शादी नहीं हो जाती मैं किसी को बताने का रिस्क नहीं ले सकता। एक बार उन दोनों की शादी हो जाए ना फिर तुम्हारी असलियत मैं ही सबको जाकर बताऊंगा। और फिर करना है फोन करने का ड्रामा, समझी तुम? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आलिया आलिया कभी पूरब के साथ खुश नहीं रहेगी। आप मेरी जिंदगी खराब करने के चक्कर में अपनी बहन की जिंदगी खराब कर रहे हैं आप। अभी वक्त आप रोक दीजिए शादी। आलिया से ज्यादा आप पछताएंगे। शराब प्यार और कुछ नहीं होगा आलिया को। पर अफसोस इस बात का है कि जब दादी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तब उनका दिल टूटेगा। और तुम्हारा क्या है? तुम किसी और अमीर लड़के को फंसा लोगी लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
तुम्हारे और अपने परिवार के साथ मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी असलियत बताऊंगा ताकि ताकि तुम किसी अमीर लड़के को ना फंसा सको। अरे किसी कोने में पड़ी रहोगी, सड़ती रहोगी तुम, समझी? तुम पागल हो गई हो, हंस क्यों रही हो तुम? हंसने की तो बात है, आप सबको मेरी सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन जो असली सच है वो तो आपको पता ही नहीं। कौन से सच की बात कर रही हो तुम? सच? कौन सा सच? मैं भूल गई। अब मैं ड्रामा बंद करो और बताओ कौन से सच की बात कर रही हो तुम? ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी वजह से पूरब आलिया से शादी करने से मना कर, तो अब क्या करें?